बेमौसम बारिश और आंधी तूफान के साथ हुई ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का निरीक्षण करने प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल खेतों में पहुंचे, जहां उन्होंने बारिश ओलावृष्टि से प्रभावित हुई फसल का जायजा लिया। कृषि मंत्री कमल पटेल प्रशासनिक अमले के साथ ग्राम भुन्नास, आदमपुर और नांदरा पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के साथ खेतों में पहुंचकर फसल नुकसानी का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री पटेल ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए हर संभव मदद दिलाने की बात भी कही। कल तेज बारिश हवा आंधी के साथ आई, उसके बाद ओले गिरे। ये सोलंकी जी हैं यहाँ के, इनके खेत में ये 8 एकड़ इनके पास जमीन है और आज भाई की जमीन भी इनने खोट लेके और किया है, दोनों भाइयों ने मिलकर ये पूरी तरह बिछ गई है। इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। मैंने अभी कलेक्टर को, DDA को, हमारे सब अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि इसकी पूरी वीडियोग्राफी करके पूरे खेत की, एक एक किसान की सर्वे होगा, उसके बाद पंचनामा बनेगा, नजरी आकलन से कितना नुकसान हुआ, वो दूध का दूध पानी का पानी उतनी क्षति लिखेंगे, उसमें एक कापी किसान जैसे सोलंकी जी इनको देंगे, दूसरे किसान उनको देंगे, पंचायत में चिपका देंगे, एक कापी हमारे कलेक्टर को मिलेगी, एक कापी DDA को, ताकि कोई उसमें बाद में गड़बड़ न कर सके और किसान को भी संतुष्टि हो कि हाँ मेरा ये सरकार हमारी है, किसानों की सरकार है। और हमने, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं सरकार ने कि ये सरकार संकट के समय किसानों के साथ खड़ी है, क्योंकि कोरोना संकट में किसान ने मेहनत करके इस देश को खड़ा रखा है। दोनों टाइम भोजन, सब्जी और दूध अगर किसी ने दिया है तो हमारे किसानों ने, इसलिए हमारे अन्नदाता भी और जीवनदाता है, सम्माननीय है, राष्ट्र का काम किया है, और इसलिए किसान के ऊपर संकट है, वो सरकार का संकट है, वो संकट हमने लिया, आपका संकट मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, मैं कृषि मंत्री हूँ, भाजपा सरकार है हमारी, और पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी सरकार पूरी सहायता देगी, RBC 6-4 में भी देंगे और बीमा की राशि भी दिलाएंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात तो ये होगी कि खुद कृषि मंत्री के दिए निर्देशों के बाद आखिर कब तक किसानों को उचित मुआवजा मिल पाता है। MP News के लिए हरदा से अंकुश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।